अर्थात स्थानीयता अगर पेशाइट के आधार पर अगर पारित हो जाती है, जितने भी जो घुस फेटी हैं जो घुस गए हैं, अब उनके हिस्सेदारी अधिकार पर तो खतरा मंडरा रही है। पंचायती राज प्रणाली लोकतांत्रिक सत्ता को मजबूत करने और स्थानीय शासन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आदिवासियों के लिए जरूरी है पेशा कानून, अर्थात आदिवासियों के संरक्षण के लिए पेशा कानून अति आवश्यक है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लेखक पद्मश्री अशोक भगत जो सचिव विकास भारती बिष्णुपुर के हैं, ये कह रहे हैं। आदिवासियों को संरक्षण करने के लिए जो ये पेशा एक्ट 1994 जो कानून है, कितनी ज़रूरत है, कितनी आवश्यक है, इन सारे मुद्दे के साथ आज हम आपसे चर्चा करेंगे। देखिए कुछ आज की तारीख पर ये कुछ कही है, मुझे लगा कि ये बात आप सबको बताना ज़रूरी है, क्योंकि इसलिए है क्योंकि पिछले 2 महीने के भीतर में ये पंचायत एक्सेशन टू शेड्यूल एरिया को हाईकोर्ट के द्वारा ये परिभाषित किया गया था, कहा गया था कि भैया आप 2 महीने के भीतर में आप झारखंड के प्रदेश पर 12 से 13 जिला पर आपको लागू कराना है। हालांकि आज की तारीख पर हमें नहीं लगता ये एक चर्चा का विषय नहीं है, मतलब चर्चा का विषय है, लेकिन हालांकि बुद्धिजीवी के कुछ मंच लोगों ने इससे पहले जब हाईकोर्ट कोर्ट के द्वारा जब निर्णय लिया गया था, इसके बाद में बैठक बुलाए जाने के बावजूद भी, आज 2 महीना बीत चुकी है, इसके बावजूद भी आज की तारीख पर ये जो 1996 में जो पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में जो विस्तारकरण करने की जो बात कही गई है, वो बात आज की तारीख में भी ये धरातल पर उतार नहीं पा रही है। और ये पेशा एक्ट आदिवासियों के लिए आज की तारीख पर एक कारगर साबित नहीं कर पा रही है। इस मुद्दे पर ये विस्तार से बात किए हैं, आज हम आपको बताएंगे पद्मश्री अशोक भगत क्या कुछ बातें कही है, वो आप आसानी से आप समझ जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं विश्राम, आप देख रहे हैं उखाड़ता झारखंड। पंचायती राज प्रणाली लोकतांत्रिक सत्ता को मजबूत करने और स्थानीय शासन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ये तो बात, ये बातें तो आप सबको वाकिफ हैं कि आज की तारीख पर जब पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पेशा एक्ट कितनी ज़रूरी हो रही है। हालांकि इसके विपक्ष में भी कई लोग इसके खिलाफ में एक प्यालाई दायर कर देते हैं कि भैया ये असंवैधानिक है, अर्थात उनके लिए असंवैधानिक खुद को मानते हैं और खुद की बचाव के लिए इस तरह का मामला दर्ज करते रहते हैं। इसी क्रम पर इसी प्रयास को आदि प्रभावशाली बनाने एवं कठिन स्थानों पर निवास कर अपनी जीविका एवं संस्कृति की रक्षा करने वाले आदिवासी समुदायों को संरक्षित करने के लिए संसद दिलीप सिंह बुरिया समिति के सिफारिश पर 1996 में पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार कानून पेशा पारित किया गया था। पेशा ग्राम सभाओं को अपनी पारंपरिक पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से स्वयंदाता का अधिकार प्राप्त करता है। अतः स्वयंदाता को समझना पड़ेगा आपको, स्वयंदाता का मतलब यही है खुद पर ये लोग क्या करें क्या ना करें इस पर इसका डिसीजन खुद कर सकते हैं। यह उन्हें जमीन संसाधन और स्थानीय विकास पर निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करता है। आदिवासी ग्राम सभा को भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास से संबंधित योजनाओं को भी मंजूरी देने का अधिकार है। इस कानून ने आदिवासी समुदायों के उप वन उत्पाद जैसे वंश तेंदु पत्तियों और अन्य गैर लकड़ी उत्पादों पर उनके हक को मान्यता दिलाई है। इन्होंने इन संसाधनों का प्रबंधन और विपणन करने का अधिकार होता है, जिससे उनके आर्थिक सशक्तिकरण और प्रोत्साहित किया जाता है। पेशा कानून में आदिवासी समुदायों के लिए विकास परियोजनाओं का कारण किसी भी विस्थापन में सशक्त पुनर्वास और मुआवजे का प्रावधान है। 25 अनुसूचित क्षेत्रों में वाले क्षेत्रों में लोकसभा और विधानसभा की शक्ति कम हो जाती है, जबकि ग्राम सभा की शक्ति को यह कानून विस्तार देता है कि पेशा पारंपरिक कानून और सामाजिक प्रावधानों को मान्यता देता है तथा संरक्षित करता है। यह कानून आदिवासी भूमि और को तथा गैर आदिवासियों को बेचने से प्रतिबंधित करता है। पेशा कानून में ऋण से संबंधित प्रावधानों को भी समाहित किया गया है। यदि कोई आदिवासी सरकारी या गैर सरकारी ऋण लेता है तो उनके लिए ग्राम सभा जिम्मेदार हो सकती है। उस आदिवासियों को ऋण के लिए ऋण प्रदाताओं वित्तीय संस्थान या व्यक्ति जमीन नीलाम करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।
पेशा को धीरे धीरे देश के 9 राज्यों ने अपने अपने तरीके से लागू कर लिया है। विगत दिनों झारखंड सरकार ने भी पेशा पर एक मसौदा प्रस्तुत किया है तथा इस पर लोगों से विचार आमंत्रित किए गए हैं। पेशा को राज्यों ने अपने अपने तरीके से लागू किया है, जबकि इसका केंद्रीय प्रावधान एक जैसा है। पेशा के प्रभावी प्रावधानों के विभिन्न राज्यों में क्रियान्वयन में अंतर देखने को मिल रहा है। कुछ राज्य ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने में पीछे हैं, जैसे छत्तीसगढ़ का में कई राज्य ने तो ग्राम सभाओं को महज एक समान समिति बना दिया है, जो केवल सुझाव दे सकती है। इनके पास कोई विधायी शक्ति नहीं है, जबकि पेशा कानून में ग्राम सभा को अगत शक्ति दी गई है। जबकि झारखंड के मसौदे में ग्राम सभा को पंचायत के अंदर की इकाई बनाया गया है तथा ग्राम सभा को आदिवासी पारंपरिक ग्राम सभा के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। यह आदिवासी समुदाय के लिए सही नहीं है। पेशा कानून पारित होने के लगभग 27वां वर्ष बाद भी झारखंड में यह लागू नहीं हो पाई है। राज्य के 24 में से 13 जिला पूर्ण रूप से और 3 जिलों का कुछ भाग अनुसूचित क्षेत्र हैं। कुल 112 प्रखंड आदिवासी अधिकार क्षेत्र यानी 25 अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं। फिर भी राज्य में पेशा की नियमावली तक नहीं बनाई गई है। पेशा कानून स्पष्ट रूप से कहता है कि आदिवासी समुदाय की समझ एवं परंपरा के अनुसार गाँव को परिभाषित किया जाना है। ग्राम सभा जिसमें गाँव के सभी मतदाता सदस्य होंगे, इनों के द्वारा ही सामुदायिक संपत्तियों जैसे जल जंगल जमीन आदि के मालिक होंगी, क्योंकि कोई भी विकास कार्य ग्राम सभा की अनुमति से ही किया जाएगा। यदि आदिवासियों को संरक्षित करना है तो पेशा से बेहतर कोई उपाय नहीं हो सकती। शर्त यह है कि केवल यह है कि ऐसा जिस रूप में पारित हुआ है उसी रूप में राज्य सरकार इसे लागू करे। झारखंड में ग्रामीण स्थानीय प्रशासनिक निकाय यानी पंचायती राज की स्थिति भी अच्छी नहीं है। साल 2010 में 32 साल बाद पंचायत राज का निर्वाचन हुआ। आज फिर भी वह सत्ता के विकेंद्रीकरण के इंतजार में है। साल 2014 में विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में यह वादा किया था कि उसकी सरकार परंपरागत स्वशासन व्यवस्था को सशक्त करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसके बाद में जो सरकार आई उसने भी ये मूल रूप से पेशा कानून लागू करने का वादा किया था, परंतु यह भी पूरा नहीं हुआ। गौर करने की बात यह है कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम में ग्राम सभा ना कि आम सभा प्रावधान है। गैर अनुसूचित गांवों में भी योजनाओं का चयन ग्राम सभा को करना है तथा ग्रामीण विकास की योजनाओं को कार्यान्वित ग्राम पंचायतों के हवाले हैं, पर वास्तव में ऐसा नहीं होता है। अधिकारों का उपयोग सरकार, राज्य सरकार के अधिकारी और कर्मचारी करते हैं। पंचायती राज विस्तारित अधिनियम यानी पेशा आदिवासियों के संपूर्ण स्वायत्त स्थानीय शासन प्रणाली की प्रोत्साहित करने का एक कानूनी अधिकार है। इस अधिकार से वंचित आदिवासी जनता पेशा कानून लागू होने का इंतजार बेसब्री से कर रही है। आज की तारीख पर भी पेशा एक्ट जो 1996 में जो पारित किया गया है पंचायती राज विस्तार के लिए, और दिलीप सिंह बुरिया समिति की एक सिफारिश की गई थी इसके द्वारा, जब इतने साल 27 साल होने के बावजूद भी आज तक जितने भी जो झारखंड के 12-13 जिला 112 प्रखंड पर आज की तारीख पर भी एक राज पंचायती व्यवस्था की जो 1996 की जो आज भी बात जो रहे हैं, और इसी चीज़ों को देख करके, क्योंकि पिछले सरकार में भी 2019 से पहले की सरकार में भी ये कह दिया था कि भाई मैं पेशा एक को मैं धरातल पर लाऊंगा, लेकिन ये नहीं कर सके। और इसके बाद जब दूसरी सरकार आई, इन्होंने भी ये कहा था कि पेशा एक को हम झारखंड के 12-13 जिला पर हम लागू कराएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी जब हाईकोर्ट के द्वारा ये कह दिया जाता है कि आपको इस कानून को 2 महीने के भीतर में आपको पूर्ण रूप से लागू करना है, और इसके बीच में भी इन लोगों से एक मांग मांगी गई थी, एक सहमति मांगी गई थी कि आपको इसके अंदर पर जो पिलाल में जितने भी जो इन लोगों के जो जहां जहां भी पच्चीस अनुसूचित क्षेत्र घोषित हुआ है,
इनकी इलाके की बुद्धिजीवी लोगों से एक मांगी गई थी कि भाई हमें 2 महीने के भीतर लागू होनी है, लेकिन आज तक इसको एक धरातल पर अभी भी उतारने में असक्षम साबित हुई है। हालांकि आज के बाद तो आचार संहिता लागू हो जाएगी, लेकिन जो 2 महीना का समय दिया गया था कि 2 महीने के भीतर में आपको 1996 पैसा एक लागू करना है, लेकिन ये भी आज की तारीख पर नहीं कर सका। और हमें लगता है इस कानून के अंतर्गत भी जितने भी जो पैसा एक्ट का जो बेसब्र से लोग इंतज़ार कर रहे हैं, हमें फिर 2025-30 तक इंतज़ार करनी पड़ेगी, क्योंकि जब 2 महीने के भीतर में झारखंड में करह नहीं उतारती है तो फिर अगले 5-10 साल भी लग सकती है। तो आपका क्या राय है, और आप इस पैसा एक्ट के अंतर्गत में आते हैं तो आपको ये एक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की तारीख पर अगर आपकी जल जंगल जमीन अगर बचाने की कहीं कावच है, आपकी अधिकार की संरक्षण करने की अगर संविधान के अंदर पर अगर कहीं अंकित है, तो वो है पंचायत राज व्यवस्था अर्थात पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। लेकिन ये बात कई लोगों के द्वारा गलत तरीका से परिभाषित करने की आरोप लगाते हैं। उन लोग ये कहते हैं कि ये पंचायत प्रो माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा मैंने अलग बात बताते हैं, और आज की तारीख पर हमें लगता है इसको परिभाषित करने में सबसे बड़ा पीछे 27 साल होने की सबसे बड़ी कहानी को अगर आप समझेंगे तो ये परिभाषित सही से ना करने की पीछे की कहानी ही है, और जिसकी वजह से आज पूरा झारखंड 25 साल पीछे तो चले गई है। लेकिन प्रावधान लाने के बावजूद भी, पारित करने के बाद भी, 1996 में पारित करने के बाद भी आज 27 साल होने की सबसे बड़ी वजह हमें यही लगता है कि सही तरीक़ा से परिभाषित ना किया जाए। और आज की तारीख पर जितने भी जो झारखंड ही नहीं, झारखंड के जितने भी 12-13 जिला में जितने भी जो लोग जी रहे हैं पश्चिम अनुसूचित के क्षेत्र में, हमें लगता है इनके इलाके पर आज कहीं ना कहीं एक घुसपैठी लोग आ चुके हैं, और ये लोग कभी नहीं चाहते हैं कि पैसा एक्ट लागू हो, पैसा एक्ट के आधार पर उस इलाके की स्थानीयता पारित हो, परिभाषित हो, अर्थात स्थानीयता अगर पैसा एक्ट के आधार पर अगर पारित हो जाती है, जितने भी जो घुसपैठियाँ जो घुस गए हैं, अब उनके हिस्सेदारी अधिकार पर तो खतरा मंडरा रही है। और हमें लगता है इन्हीं लोगों के द्वारा आज के तारीख पर कोर्ट पर PLI दर्ज की जाती है कि ये असंवैधानिक है, क्योंकि आदिवासी इसे संवैधानिक मानती है, लेकिन विरोधों के द्वारा ये कहा दिया जाता है कि ये असंवैधानिक है। और आज की तारीख पर 27 साल होने के बावजूद भी ये पैसा एक्ट हमारे झारखंड की धरातल पर खड़ा नहीं उतारना, ये एक अपने आप पर एक सवाल खड़े कर रही है। सवाल इसलिए खड़े कर रही है क्योंकि संवैधानिक अधिकार पर ये कह दिया गया है कि आदिवासियों की जल जंगल जमीन, उसकी धर्म संस्कृति परंपराओं को हमें संरक्षण करना है, और आज की तारीख पर 75 साल पीछे ये भटकने का सबसे बड़ा रीज़न यही है, ये घुसपैठियों के कारण। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, ऐसे तमाम छोटी बड़ी जानकारी हम आप सबको अवगत कराएंगे। अगर हमारी दी गई जानकारी आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और जो बात मैंने आप सबको कहा है, आज के पेपर में दी गई बातें मैंने आपके साथ चर्चा किया है, लगता इस बात को भी गौर करने की आवश्यकता है कि आज तक पैसा एक्ट लागू ना होने की सबसे बड़ी वजह यही है कि आज परिभाषित नहीं हुई है, सही से परिभाषित नहीं कर पाई, क्योंकि कई लोग मानते हैं पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, और इसी की पैसा को कई लोग प्रोविजनल एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया इस तरह का परिभाषित करते रहते हैं। धन्यवाद।